सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का खास महत्व है। इस दिन घर में खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखने की परंपरा है। इसके पीछे मान्यता है कि खीर में चंद्रमा की किरणें पड़ने से ये गुणकारी होती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के बेहद निकट होता है और चंद्रमा की 16 कलाओं की आभा पृथ्वी के प्रत्येक जीव को प्रभावित करती है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान मानी जाती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात धन की देवी लक्ष्मी भी धरती पर विचरण करती है और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इसी परंपरा को विगत 25 वर्षों से विद्युत नगरी सारनी में जीवंत बनाए रखे युवाओं से हमारे संवाददाता ने खास चर्चा की। शरद पूर्णिमा को लेकर ये जो कार्यक्रम आयोजित होता है कब से हो रहा है? जी यहाँ जी टाइप कॉलोनी में तो पिछले 25 वर्षों से ये जो कार्यक्रम है हम लोग बहुत धूमधाम से यहाँ पर मनाते हैं। और पिछले 25 सालों से हमारे यहाँ जो साहू जी रहते थे वो शरद पूर्णिमा के दिन स्वास्थ्य के लिए एक काढ़ा भी निर्मित करते थे जिसको हम सब पीते थे, पर अभी 2-1 सालों से वो यहाँ नहीं है तो हमें वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी ये सेलिब्रेशन पिछले 25 सालों से लगातार करते आ रहे हैं। अभी तक मतलब मैं जब से यहाँ पर हूँ तब से मैंने यही देखा है कि सारनी के लगभग सारे ही निवासी यहाँ आते हैं, प्रसादी ग्रहण करते हैं। पिछले 25 सालों से मैं ये देखती आई हूँ और 4 नंबर 5 नंबर वार्ड के तो सारे ही दूर से भी बाहर से ही लोग आते हैं प्रसादी ग्रहण करने। और पहले जब यहाँ काढ़ा मिलता था तो उसे ग्रहण करने तो और ज़्यादा पब्लिक यहाँ आया करती थी, लगभग 1000। सारणी के नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? मंच के माध्यम से बस मैं ये कहना चाहूँगी कि यही एक ऐसा मंच है या फिर यही एक ऐसा अवसर है जहाँ पर हम लोग जो पहले साथ में थे अभी काफ़ी दूर हो गए हैं, लेकिन ये एक ऐसा ओकेजन या ऐसा समय होता है जिसमें हम लोग मिलजुल पाते हैं और अपनी एकता यहाँ पर शो होती है, हमारी यूनिटी यहाँ पर शो होती है और धार्मिक प्रोग्राम जो यहाँ पर हम लोग करते हैं तो उससे हमारी यूनिटी भी एकता भी और खुशी का जो माहौल रहता है वो बना हुआ रहता है। काफ़ी साल वर्षों बाद हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, काफ़ी हर्षोल्लास का माहौल रहता है, काफ़ी खुशी रहती है। एशियन न्यूज इंडिया के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में प्रसारण हो रहा है, इसको कार्यक्रम को लेकर आपको कैसी खुशी हो रही है? बहुत बहुत, ये पहली बार है हमारे यहाँ पर सारनी नगर में जी टाइप कॉलोनी में, ये फर्स्ट टाइम है कि यहाँ कोई न्यूज़ चैनल आए हैं और हम सबको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, हमारा जो हर्षोल्लास है हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। बता दें कि पावर जनरेटिंग कंपनी की जी टाइप कॉलोनी में विगत 25 वर्षों से साहू जी के द्वारा स्वांस रोगों को दूर करने हेतु आज के दिन निःशुल्क आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया जाता था। कोरोना की वजह से यह आयोजन विगत 2 वर्षों से नहीं हो पाया। साहू जी भी दूसरे शहर में रहने चले गए, किंतु उत्कल घासी समाज के मंदिर प्रांगण में आज भी ये आयोजन जारी है। सारनी से राम क्रेश हनोते की रिपोर्ट, SCN न्यूज़ इंडिया।